हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लॉ एकेडमी। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जनरल साइंस का। आज टॉपिक है फिज़िक्स। बायोलॉजी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं और उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ फिज़िक्स के बारे में। जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग PCS या बिहार PCS, आज हम सिर्फ उसी को फोकस करके फिज़िक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सबसे पहले यूनिट्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं बिहार PCSJ में। तो SI यूनिट्स की जब हम बात करते हैं तो 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं। दैट इज़ लेंथ की यूनिट है मीटर, मास इज किलोग्राम, टाइम सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर इज केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इस मोल, मोलर सॉल्यूशंस बनते हैं। देन सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करें तो प्लेन एंगल का है रेडियन एंड सॉलिड एंगल का है स्ट्रेडियन। एंड द ग्रेटेस्ट यूनिट की अगर बात करें तो 1 light year एंड 1 parasec, 1 AU, 1 metric ton एंड 1 quintal, इसकी सबकी वैल्यू दे रखी है हमने। ओके, न्यूटन्स के लॉ बहुत पूछे जाते हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो बात करता है, सबसे पहली बात, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया एंड लॉ ऑफ गैलीलियो भी कहते हैं। इस लॉ में कहा गया है, फर्स्ट लॉ में, दैट एवरी बॉडी रिटेन्स इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स कोई भी बॉडी है, अगर वो जिस स्थिति में है वो वैसी ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। दिस इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ गैलीलियो और द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। सेकेंड लॉ में आपकी फोर्स को डिफाइन किया जाता है, दैट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट। एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ये क्या है? एफ इज एम, एफ इज फोर्स, एम इज द मास, ए इज द एक्सेलरेशन। ओके, सेकेंड लॉ आपको क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है फोर्स को। यूनिट इज न्यूटन। ओके, कुछ ये थर्ड लॉ की अगर हम बात करते हैं तो वो कहता है कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी को कि कोई अगर फायर कर रहा है, अगर कोई बुलेट चला रहा है तो गनर थोड़ा सा पीछे के डायरेक्शन में जाता है। दिस इज़ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर आप कोई एक्शन कर रहे हो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आता है। तो पहला एग्जांपल है कि बुलेट चलाने वाला। सेकंड एग्जांपल इज़ कि अगर कोई बोटमैन है, कोई जो नाव चला रहा है, नाव में है, वो अगर जंप करता है तो उसने फिर अपना फोर्स नाव पे भी लगाया जंप करने के लिए। उसकी वजह से क्या होता है कि बोट इज पुश्ड बैकवर्ड। दैट इज़ थर्ड लॉ। ये जो डेली वाले जो एग्जांपल्स हैं वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जैसे ये वाला आपसे पूछा गया, बोटमैन वाला, एंड स्विमिंग वाला पूछा गया है, रॉकेट वाले भी पूछा गया है। ओके, तो अगर हम बात करें रॉकेट में, जब रॉकेट जाता है यहाँ से, इसको लॉन्च किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा गैसेस का इजेक्शन होता है, जिससे क्या होता है कि एक बहुत ही ग्रेट पुश मिलती है। ग्रेट स्पीड के साथ रॉकेट बैकवर्ड के साथ फिर एकदम से पुश होके फॉरवर्ड जाता है। अगर हम स्विमिंग की बात करें तो पहले पर्सन क्या करता है, कोई भी बंदा है, वो पहले पानी को पीछे पुश करता है और पानी क्या करता है, सेम फोर्स के साथ स्विमर को आगे पुश कर देता है। ओके, दीज आर द लॉ ऑफ न्यूटन्स या लॉ ऑफ मोशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हीट इंजन में कौन सी एनर्जी किस में चेंज होती है? तो हीट इंजन में हीट एनर्जी चेंजेस इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक बल्ब की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंजेस इनटू लाइट एनर्जी। इसमें अगर लाइट एनर्जी के साथ प्लस हीट एनर्जी का भी ऑप्शन हो तो आप हीट एनर्जी भी टिक कर दीजिएगा, हीट और लाइट वाला ऑप्शन करिएगा। अगर कोई बर्निंग ऑफ कॉइल या ऑयल हो रहा है तो क्या होगा, केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू हीट एनर्जी। सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर सेल की, तो सोलर एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सैटेलाइट कौन सी एनर्जी यूज़ करते हैं, सोलर सेल में कौन सी एनर्जी यूज़ करते हैं, तो ये दे यूज़ सोलर एनर्जी। ओके,
देन प्लेइंग सितार, अगर आप सितार में जा रहे हो तो आपका हाथ चल रहा है, दैट इज़ मैकेनिकल एनर्जी, उससे साउंड आ रही है तो चेंजेस इनटू साउंड एनर्जी. माइक्रोफोन, आप माइक में बोल रहे हैं तो दैट इज़ योर साउंड एनर्जी विच चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. लाउड स्पीकर की बात करें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी. इलेक्ट्रिक एनर्जी क्यों हुआ, क्योंकि हम स्पीकर में इनपुट दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फॉर्म में वायर्स के थ्रू और वो साउंड बाहर दे रहा है. बैटरी की अगर बात करें तो केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिक मोटर, ये बहुत पूछा जाता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. कैंडल की अगर बात करें तो जब हम कैंडल जलाते हैं तो केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं. सैटेलाइट की अगर बात करते हैं तो सैटेलाइट क्या होते हैं, सैटेलाइट वो हेवनली बॉडीज होते हैं जो प्लैनेट्स के रिवॉल्व करते हैं, पहले प्लैनेट्स के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून है. ओके, एंड इसमें जो हमको पढ़ना है वो मेन ये है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट. तो जियो स्टेशनरी जो होते हैं वो यूज़ करते हैं फॉर द टीवी सिग्नल्स एंड टेलीकास्ट, टीवी वगैरह के लिए यूज़ होते हैं. और इसमें जो इंडिया में गए हैं वो इनसेट 2B एंड इनसेट 2C, ये जियो सैटेलाइट है फ्रॉम इंडिया. और वो कितनी हाइट पे रहते हैं, 36,000 किलोमीटर की हाइट पे, अर्थ की हाइट पे रहते हैं. अगर पोलर सैटेलाइट की बात करते हैं तो वो 800 किलोमीटर्स पे रहते हैं और पोलर की तरफ रहते हैं. और इसमें कौन सी सीरीज है हमारी, PSLV सैटेलाइट की जितनी भी सीरीज़ है वो सारी हमारी पोलर सैटेलाइट है. एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी वो होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी बॉडी को हम किस स्पीड से फेंकें कि वो स्पेस में चला जाए. तो यहाँ पे बात करते हैं द मिनिमम वेलोसिटी दैट शुड बी गिवन टू द बॉडी टू इनेबल इट टू एस्केप अवे फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड. क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से हम अर्थ पे हैं, अगर हमें वो कितनी वेलोसिटी चाहिए, कम से कम कितनी वेलोसिटी चाहिए कि हम कोई भी बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से क्रॉस करा दें, तो वी नीड, दैट इज़ कॉल्ड द एस्केप वेलोसिटी. और कितनी चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकते हैं तो वो हमारे स्पेस में चली जाती है. कैपिलैरिटी, कैपिलैरिटी की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हमको ये पढ़ने हैं डेली जो सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होते हैं, तो हमको कैपिलैरिटी पढ़ना ज़रूरी है. कैपिलैरिटी इज़ अ फिनोमेना जिससे बहुत ही पतले पतले से ट्यूब होते हैं बेसिकली, तो उससे क्या होता है कि जितना भी आपका मीडियम है वो ट्रांसफ़र होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कैरोसिन ऑयल की बात करें, जो लालटेन में कैरोसिन ऑयल होता है वो नीचे होता था, अब ऊपर तो लाइट उसमें जो थ्रेड होता है वो तो ऊपर होता है, तो ये पूछा जाता है कि कैरोसिन ऑयल उस थ्रेड तक कैसे पहुंचता है, पहुंचता है वो किस तरह से, कैपिलैरिटी के थ्रू. राइटिंग निब, तो राइटिंग निब हमारी कैसी होती है, कुछ इस टाइप की होती है. यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसे होता है, तो ये क्या है, एकदम फाइन कैपिलरी है, पतली सी जगह होती है जहाँ पे क्या होता है, इंक जाती है. ठीक, और एक और भी होता है, जब हम लोग वो वाले इंक की बात करते हैं, उस राइटिंग निब की बात करते हैं जो हम लोग बार बार डिप करते हैं, तो जब हम डिप करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ड्यू टू कैपिलरी मोशन ये सब चीज़ें यहाँ पे इंक चली जाती है और फिर जब हम लिखते हैं तो वो इंक वहाँ से आती है. अब अगर पूछा जाए कि जो प्लांट है, सपोज दिस इज़ द प्लांट, ये यहाँ पे सॉइल है, तो यहाँ से तो ये हम लोग यहाँ पे पानी देते हैं, वाटर देते हैं, तो पानी यहाँ तक इसके ब्रांचेस तक कैसे पहुँचता है, इस प्लांट के ब्रांचेस तक कैसे पहुँचता है, तो बहुत ही पतली पतली सी कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं जिसके थ्रू वाटर हर एक पार्ट तक पहुँचता है प्लांट के. अब अगर पूछा जाए कि भाई अगर कोई खेत है, खेत को प्लॉक कर दिया है फार्मर ने और बारिश हो गई है, तो पानी अंदर तक कैसे पहुंच रहा है, या पानी वो दे रहा है तो पानी अंदर कैसे पहुंच रहा है, इट इज़ ड्यू टू कैपिलैरिटी. ठीक, नेक्स्ट है साउंड ऑफ, स्पीड ऑफ साउंड. तो स्पीड ऑफ साउंड में सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है कि कहाँ पे ज़्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी. तो साउंड की मैक्सिमम होती है सॉलिड में, मिनिमम होती है गैसेस में. क्योंकि अगर साउंड की हम स्पीड देखें एयर में, इट इज़ 332 मीटर पर सेकेंड.
अगर हम वाटर में देखते हैं तो 1483 मीटर पर सेकेंड, और यही अगर हम आयरन में देखें बिकॉज इट इज़ अ सॉलिड इट इज़ 5130 मीटर पर सेकेंड। क्या साउंड पे प्रेशर का कोई फर्क पड़ता है? नहीं, स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स अनचेंज बाय इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रेशर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात करते हैं तो सपोज करिए कि ये एक रिजिड मीडियम है, ठीक, इट इज़ अ रिजिड सरफेस, तो यहाँ से साउंड आई और यहाँ चली गई वापस, रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई, ओरिजिनल मीडियम में वापस चली गई, दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इको क्या होता है? हम लोगों ने कई बार सुना है कि माउंटेन्स में जाते हैं तो हम कुछ बोलते हैं तो वो रिपीटिशन ऑफ साउंड होता है, दैट इज़ कॉल्ड इको। मून पे रिपीटिशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। तो दिस क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट कि मून में इको क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। अब हम बात करते हैं हीट के बारे में, तो हीट क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम द हॉटर टू कोल्डर बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। अगर यहाँ पे कोई अब हम लोगों ने देखा है कि गर्म पानी ठंडा हो जाता है, क्यों ठंडा होता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर उसके आसपास का कैसा होता है, ठंडा होता है, तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जहाँ पे क्या होता है, हमेशा जो हीट होती है वो हॉटर से कोल्डर की तरफ जाती है, ठीक, तो वो अपने आप को बैलेंस कर लेती है। यूनिट क्या है? कैलोरी है, किलो कैलोरी है और जूल है। एक किलो कैलोरी, एक कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल एंड 1 किलो कैलोरी इक्वल्स टू 1000 कैलोरी, ठीक। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो किससे रिकॉर्ड करते हैं? थर्मामीटर से रिकॉर्ड करते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.4 डिग्री फेरनहाइट, ठीक। माइनस 40 डिग्री इज़ द टेम्परेचर एट विच सेल्सियस एंड फेरनहाइट थर्मामीटर रीड्स द सेम। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, किस टेम्परेचर पे फेरनहाइट और सेल्सियस का टेम्परेचर सेम हो जाता है, तो दैट इज़ -40। पायरोमीटर क्या होता है? पायरोमीटर होता है जो बहुत ही मेजरिंग द रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी, जो रेडिएशंस होती हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए होता है, और हाई टेम्परेचर के लिए, ये हमेशा हाई टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है। देखिए, इट कैन नॉट मेजर टेम्परेचर बिलो 800 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 800 से अगर नीचे टेम्परेचर है तो आप पायरोमीटर यूज़ नहीं कर सकते हैं, 800 से ऊपर अगर टेम्परेचर है तभी आप पायरोमीटर यूज़ करेंगे। लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ सब्सटेंस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। इसी वजह से क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है NBHRPCS से कि ज़्यादा जलन क्यों होती है? हॉट वाटर बर्न्स लेस सीवियर देन ऑफ स्टीम बर्न्स बिकॉज ऑफ स्टीम हैज़ हाई लेटेंट हीट। पूछा गया था कि भाप से आप ज़्यादा क्यों जलते हैं और गर्म पानी से कम जलते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि वाटर का जो लेटेंट हीट होता है, वेपर्स का जो लेटेंट हीट होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें तो ह्यूमिडिटी क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, कितना भाप आपकी एयर में है, दैट इज ह्यूमिडिटी। अगर जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 meter cube, अगर हम 1 meter cube में कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और इसके बाद इसको हम किससे मेजर किससे करते हैं, हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कितने तरह से होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। देन इसके बाद आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। पहला पढ़ते हैं, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। मतलब अगर कोई गर्म चीज़ है वो अगर चेंज कर रही है, वो क्या किस रेट पे चेंज करेगी, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जितना डिफरेंस होगा उसकी सराउंडिंग से। कुकिंग वेसल्स में क्या क्या होते हैं? एल्यूमिनियम, ब्रास एंड स्टील। कुकिंग वेसल्स इसके क्यों बने रहते हैं? क्योंकि इसमें लो स्पेसिफिक हीट एंड हाई कंडक्टिविटी होती है, ठीक। अब डेजर्ट की अगर बात करें तो डे टेम्परेचर आर वेरी हाई एंड नाइट टेम्परेचर आर एक्सट्रीमली लो बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंड इज़ वेरी लो, ठीक, क्योंकि स्पेसिफिक हीट बहुत कम होती है सैंड की, इस वजह से, ठीक है।
ह्यूमन ब्रेथ की अगर बात करते हैं, ह्यूमन ब्रेथ क्या होती है, विजिबल होती है विंटर में, जब हम सांस लेते हैं तो विंटर्स में धुआं निकलता है नाक से मुंह से, और समर्स में नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि विंटर में जो एयर होती है वो कूल होती है, और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इन द ह्यूमन ब्रेथ कंडेंसेस विद द एंड इट मेक्स इट विजिबल। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि आते हैं ग्लास टम्बलर, एक मोटे कांच का अगर एक ग्लास है वो क्रैक हो जाता है अगर उसके ऊपर अगर उसमें बहुत ही गर्म कोई लिक्विड डालते हैं, क्यों? इट बिकॉज द इनर सर्फेस ऑफ द थिक ग्लास टम्बलर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द हॉट लिक्विड एक्सपैंड्स मोर इन कंपेरिजन विद द आउटर सर्फेस विद विच हैज़ रिलेटिवली लो टेम्परेचर। अब होता क्या है, दिस इज द टम्बलर, ओके, काफ़ी थिक है, सपोज करिए इतना मोटा है, ये हमारा ग्लास है और ये इतना मोटा है, यहाँ पे तो क्या है एयर है, यहाँ पे हमने क्या डाला, हॉट वाटर डाल दिया, हॉट वाटर डालने की वजह से जो इसकी अंदर की लेयर है उसने क्या किया, एक्सपेंड किया, वो फैली, लेकिन बाहर की जो लेयर है वो तो एयर के कांटेक्ट में है, वो नॉर्मल है, वो ठंडी है, इट्स कोल्ड, तो क्या होगा, ये एक्सपेंड करेगी लेकिन बाहर की लेयर तो एक्सपेंड नहीं कर रही है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये क्रैक हो जाता है, ओके। लाइट की बात करें तो लाइट क्या है, इट इज़ अ रेडिएशन विच मेक्स आवर आइज एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। स्पीड कितनी होती है लाइट की, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। मेन चीज़ जो आपको याद करना है कि सन के लाइट को अर्थ में पहुंचने में कितना टाइम लगता है, टेक्स 8 मिनट्स एंड 19 सेकेंड्स, और मून को लगता है 1.28 सेकेंड्स, ठीक। और फिनोमिना कौन कौन से होते हैं लाइट के लिए, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग एंड पोलराइजेशन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, एक पानी का ग्लास है, ठीक, पानी का जो ग्लास है उसमें पानी भरा हुआ है, आपने उसमें एक पेंसिल डाली, ठीक है, पेंसिल हल्की सी इधर फिर हल्का सा ऐसे हो जाती है, अगर आप ध्यान से देखें तो हल्की सी टिल्ट हो जाती है, बेंट हो जाती है, तो ये क्या है, दिस इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो जब लाइट होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो हल्की सी अगर वो बेंट हो जाती है फ्रॉम इट्स पाथ तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से क्या क्या होता है, जो तारे चमकते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वो रिफ्रैक्शन के थ्रू होता है। ड्यू टू रिफ्रैक्शन द रिवर अपीयर्स शैलो, कॉइन इन बीकर फिल्ड विद द वाटर अपीयर्स रेज्ड, पेंसिल इन द बीकर अपीयर्स ब्रोकन, ठीक। अब हुआ क्या, रिफ्रैक्शन की वजह से ही नदी हमको कैसी दिखती है कि ज़्यादा गहरी नहीं है, शैलो है। पानी कॉइन अगर हम बीकर में डालते हैं तो हमें लगता है कि वो थोड़ा सा ऊपर है, ठीक, सरफेस पे नहीं है, इट इज़ लिटिल बिट अबव द सरफेस। अगर हम बीकर में पानी भरते हैं उसमें पेंसिल डालते हैं तो हमें लगता है कि वो टूट गई है, ठीक। तो ये किस वजह से होते हैं, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। सनराइज एंड सनसेट, ड्यू टू रिफ्रैक्शन सन अपीयर्स अबव द होराइजन विद वाइल इट इज़ एक्चुअली बिलो द होराइजन। होता क्या है, जब सनसेट हो रहा है या सनराइज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन की वजह से ही हमको क्या लगता है कि वो अबव द होराइजन है, लेकिन वो होता वही है, बिलो द होराइजन होता है, सिर्फ रिफ्रैक्शन की वजह से हमें अबव दिखता है। द ड्यूरेशन ऑफ अ डे अपीयर्स टू बी इंक्रीज्ड बाय नियरली 4 मिनट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक। पेपर अपीयर्स लिफ्टेड व्हेन द ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर अ पेपर। जब राइटिंग पेपर होता है अगर हम उसको थोड़ा सा ग्लास सरफेस के ऊपर रख देते हैं तो वो हमें क्या लगता है, थोड़ा उठा हुआ लगता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, अ मीडियम इज़ मैक्सिमम फॉर वायलेट एयर, वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है और रेड कलर का सबसे कम होता है, ठीक। नेक्स्ट आता है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है भाई, दिस इज अ प्रिज्म, ठीक। इट इज़ अ यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाई टू प्लेन सर्फेसेज इंक्लाइंड एट एन एंगल, टू प्लेन सर्फेसेज इंक्लाइंड टू एन एंगल।
अब डिस्पर्शन क्या होता है, यहाँ से सिंगल लाइट आती है और यहाँ से क्या होती है, 7 आपकी रेनबोज वाली लाइट निकलती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नैरो लाइट आई है और उससे इमर्जेंट हो रही है कितनी, 7 कलर्स आपके निकल रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो 7 कलर्स कौन कौन से होते हैं, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, वायलेट कलर्स डेविएट्स थ्रू मैक्सिमम एंगल एंड द रेड कलर्स डेविएट्स थ्रू द मिनिमम एंगल। तो मिनिमम सब मैक्सिमम किसका कलर, मैक्सिमम किसका एंगल होता है, वायलेट का, और मिनिमम किसका होता है, रेड का होता है। और प्राइमरी या बेसिक कलर कौन से होते हैं, इट इज़ रेड, ग्रीन, ब्लू। ये क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक है लेकिन ये पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि मिक्सिंग ऑफ कलर्स के बारे में। मिक्सिंग ऑफ कलर में देखते हैं, तो रेड, ग्रीन और ब्लू मिक्स करेंगे तो वाइट बनेगा, रेड और ब्लू मिक्स करेंगे तो मेजेंटा, ब्लू और ग्रीन पिकॉक ब्लू या क्यान बनेगा, रेड और ग्रीन को मिक्स करेंगे तो येलो बनता है। ओके, नेक्स्ट आता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है, इट इज़ ओनली फिनोमेना विच प्रूव्स दैट लाइट इज़ अ ट्रांसफर वेव। ये इंपॉर्टेंट है, द लेयर ऑफ केरोसिन ऑयल ओवर अ वाटर सर्फेस अपीयर्स कलर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट ड्यू टू द प्रॉपर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। एक बीकर है, नीचे है क्या, वाटर, ऊपर क्या है, केरोसिन ऑयल, ऊपर क्या है, केरोसिन ऑयल, और जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, क्या पड़ती है, सनलाइट, जब सनलाइट पड़ती है तो ये क्या, कैसा दिखता है ये, फिर ये दिखता है कलर्ड, क्योंकि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होती है। ठीक है, ह्यूमन आई की बात करते हैं, तो ह्यूमन आई की अगर बात करें तो ये क्या है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, हमारी आंखें भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जस्ट लाइक अ फोटोग्राफिक कैमरा। रेंज कितनी है, 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। डिफेक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि डिफेक्ट क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है कि इंसान क्या नहीं देख पाते हैं, दूर के जो ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते हैं, और उसको फिक्स कैसे करते हैं, कॉनकेव लेंस। हमेशा मायोपिया में कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस। ठीक, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, पास का नहीं दिखता है, cannot see pass near by objects, तो यहाँ पे क्या होता है, convex lens use करते हैं। astigmatism, इसमें क्या होता है कि जो curvature of the cornea becomes irregular and image is not clear, हमको blurred दिखता है। ठीक है ना, और इसमें cylindrical lens use किया जाता है। कौन सा lens use करते हैं, cylindrical lens use करते हैं। presbyopia, परसोपिया में क्या होता है कि जब एज बहुत हो जाती है तो आई की लेंस होती है वो, उसका एकोमोडेशन थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाता है, तो इसमें फिर हमें ना दूर का दिखता है ना हमें पास का दिखता है, तो हम इसमें कौन सा यूज़ करते हैं, बायफोकल लेंस यूज़ करते हैं। कैटरैक्ट, कैटरैक्ट में एक मेम्ब्रेन आ जाती है आपके कॉर्निया के ऊपर, और उसको हमेशा सर्जरी के थ्रू हम रिमूव करते हैं। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कौन से लेंसेज होते हैं, तो दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। टेलीस्कोप में अगर हम बात करें तो दो तरह के टेलीस्कोप होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, गैलीलियन टेलीस्कोप होता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम कौन से लेंसेज यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस ही यूज़ करते हैं। ठीक, गैलीलियन में हम कौन से यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। एक देखिए, जब हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करते हैं, द ऑब्जेक्टिव लेंस इज़ अ कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, बट द आईपीस इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। यानी कि जब हमारा जो टेलीस्कोप होता है, देखिए हमारा टेलीस्कोप कुछ ऐसा होता है, ठीक है, तो जो ये वाला लेंस होगा ये हमारा कौन सा है, ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये कौन सा है हमारा, ये है हमारा आईपीस वाला। तो जो ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव होता है कॉन्वेक्स लेंस, ये भी होता है, लेकिन कैसा, लार्ज फोकल लेंथ वाला। और आईपीस वाला अगर हम बात करें वो भी कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन कौन सा, शॉर्ट फोकल लेंथ वाला। अगर हम गैलीलियन की बात करते हैं तो गैलीलियन में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, बट द आईपीस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। ये तो हमारा हो गया कौन सा, एस्ट्रोनॉमिकल। अब जो गैलीलियन होता है उसमें भी सेम ही चीज़ होती है, ये कॉन्वेक्स होता है लेकिन ये कौन सा हो जाता है, कॉनकेव हो जाता है। जो आईपीस होता है वो क्या हो जाता है, कॉनकेव हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी,
इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से होता है भाई, बॉडी में अगर कोई लॉस या गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, देन देर इज़ समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज डेवलप होता है। तो हमेशा हम किस तरह से करते हैं, ई पॉजिटिव ई नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब गेन हो रहा है, नेगेटिव मतलब लॉस हो रहा है। और ये जो फिनोमिना दिया था नेगेटिव और पॉजिटिव लेबल वाला, ये वाला ये दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। एसआई यूनिट इज कोलंबस एंड इलेक्ट्रिसिटी इज एसोसिएटेड विद चार्ज। अब कंडक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो कंडक्टर वो होते हैं जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दें। तो कौन कौन से हैं, सिल्वर आयरन कॉपर आर कंडक्टर्स। ह्यूमन बॉडी एंड अर्थ एक्ट लाइक अ कंडक्टर, ठीक है। तो सिल्वर कौन सा है, सबसे बढ़िया कंडक्टर है, इंसुलेटर है, जो बॉडी को जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास ना होने दें। दैट जैसे रबड़ है, वुड है, माइका है, ग्लास है, इबोनॉइट है, आर द इंसुलेटर। देखिए कॉपर जो वायर्स होते हैं वो हमारे कॉपर के बने होते हैं नॉर्मली, उसमें उसके ऊपर क्या होती है, रबड़ की कोटिंग होती है या प्लास्टिक की कोटिंग होती है, किसी भी चीज़ की वो कोटिंग कर देते हैं जिससे कि हमको करंट ना लगे। तो अंदर से तो उनके करंट पास हो रहा है ड्यू टू द कंडक्टर, लेकिन ऊपर से कोटिंग है हमको करंट ना लगे, दैट इज़ द इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट इज एम्पियर। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी करंट इन अ सर्किट को मेजर करने के लिए, ठीक है। और कितना मेजर कर सकता है, 10^-6 एम्पियर तक का। एमीटर, एमीटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट को मेजर करता है। वोल्टमीटर क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स उसको कैलकुलेट करता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, फ्यूज़ होता है एक पतला सा कंडक्टिंग वायर होता है जो किसका बना होता है, कॉपर टिन या लेड का होता है, जिसमें क्या होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंट एंड हाई रेजिस्टेंस, वो बनता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज। ट्रांसफार्मर, अब ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर होता है कि लो वोल्टेज एसी, ट्रांसफार्मर हमेशा कन्वर्जन के लिए होता है, कन्वर्ट करने के लिए। तो लो अगर आपका एसी आ रहा है तो उसे हाई में कर देंगे, अगर हाई आ रहा है तो लो में कर देंगे, ठीक है। तो माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डीसी मोटर क्या होता है, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ओके। एसी डायनोमो यानी कि जनरेटर, जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। फॉस्फोरेंस एंड फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेंस, तो फ्लोरोसेंस क्या होता है, इमिशन ऑफ लाइट ऑफ वेरी लो फ्रिक्वेंसी फ्रॉम अ सब्सटेंस विद व्हेन सम लाइट फ्रॉम अ सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट, मतलब जब लाइट पड़ी तब आपकी वॉच शाइन हुई, दैट इज फ्लोरोसेंस। अब क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि रेडियम वाली वॉच, बहुत ही कॉमन वर्ड यूज़ कर रही हूँ, रेडियम वाली वॉच, जब लाइट पड़े और शाइन हो दैट इज़ फ्लोरोसेंस। जब लाइट पड़ी उस वॉच पे क्या हुआ, लाइट पड़ी, उसने क्या किया, लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, उसमें जो ये छोटे छोटे बने थे उसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर दिया, और जैसे ही लाइट ख़त्म हुई अंधेरा आया उसने वापस से इमिट करना शुरू कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इमिट कर रहा है फॉस्फोरेंस, इमिट नहीं कर रहा है दैट इज़ फ्लोरोसेंस। इसमें कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, जिंक सल्फाइड हम यूज़ करते हैं, ठीक है, मोस्टली। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो हेनरी बैक्वेरल, मैडम क्यूरी एंड पेरिर क्यूरी, पेरिर क्यूरी एंड मैडम क्यूरी वर द हस्बैंड एंड वाइफ। इन्होंने डिस्कवर किया था फिनोमिना 1986 में, इनको जॉइंटली मिला था नोबेल प्राइज। एंड यहाँ पे मेन हमको पढ़ना है रेडियो एक्टिविटी में कौन कौन से पार्टिकल का एमिशन होता है, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। अल्फ़ा की पेनिट्रेटिंग पावर इज मिनिमम एंड गामा की इज मैक्सिमम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इंटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियस। फिजन का मतलब होता है टूटना, ओके। जब कोई एक चीज़ बीच में से क्रैक हुई और इसने क्या किया, फिजन कर दिया, दो बन गए, तो दैट इज न्यूक्लियर फिजन। अगर हम फ्यूजन की बात कर रहे हैं दैट मीन्स फ्यूज होना, जब ये वापस से एक बन जाएंगे दैट इज फ्यूजन। दीज आर द यूनिटी
यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, इसमें आपको मेन सारे ही पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं। वॉल्यूम का है क्यूबिक मीटर, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मोमेंटम इस किलोग्राम मीटर पर सेकंड, वर्क का जूल होता है, एनर्जी का भी जूल होता है, प्रेशर इज जूल, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, पावर इज वॉट, वेट इज न्यूटन एंड न्यूटन और किलोग्राम, इम्पल्स इज न्यूटन पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी रेडियंट पर सेकेंड, विस्कोसिटी इज पॉइज, सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर, हीट इज जूल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज केल्विन, रेजिस्टेंस इज ओम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज वोल्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मोहम वर्सेस मीटर, एंड इलेक्ट्रिक कर एनर्जी इज किलोवाट पर किलोवाट आवर, एंड इलेक्ट्रिक पावर इज किलोवाट और वाट, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑस्ट्रेड, चार्ज इज कोलम, मैग्नेटिक इंडक्शन गॉस, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डेसिबल, पावर ऑफ लेंस इज डॉप्टर, डेप्थ ऑफ सी इज फैंथम। ये कुछ लॉज हैं एंड रिलेटेड साइंटिस्ट। तो ग्रेविटेशनल लॉ या लॉ ऑफ मोशन दिया था न्यूटन ने, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ए आइंस्टाइन ने, डिस्कवरी ऑफ एक्सरे डब्ल्यू सी रॉन्टेंग ने दिया था, प्रिंसिपल ऑफ लिवर और रिलेटिव डेंसिटी दी है आर्किमिडीज ने, काइनेटिक थ्योरी ऑफ टेम्परेचर कैल्विन ने दी थी, थ्योरी ऑफ एटम दी थी डाल्टन ने, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मैकफैराडे ने दिया था। ये पूरी एक लिस्ट है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की। इम्पॉर्टेंट है एमीटर, इलेक्ट्रिक करंट के लिए होता है, ऑडोमीटर इंटेंसिटी ऑफ साउंड होता है, एल्टीमीटर एयरक्राफ्ट के जो एल्टीट्यूड होते हैं उसको मेजर करने के लिए होता है, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, बायनोक्युलर जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं दूरबीन जिसको कहते हैं उसके लिए यूज़ होता है, कैलोरीमीटर आपका यूज़ होता है हीट के लिए, कार्डियोग्राम आपका यूज़ होता है मूवमेंट ऑफ हार्ट या रिकॉर्ड द कार्डियोग्राफ, क्रोनोमीटर यूज़ होता है आपका लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस कैप्ड ऑन बोर्ड शिप, सिनेमाटोग्राफी होती है सिनेमा मेकिंग के लिए, डायनमो यूज़ होता है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, डायनमोमीटर यूज़ होता है इलेक्ट्रिक पावर के लिए, इलेक्ट्रोमीटर यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रोस्कोप यूज़ होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, एंडोस्कोप इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी देखने के लिए होता है, फैथोमीटर यूज़ होता है डीपनेस ऑफ सी के लिए, गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक करंट और लो मैग्नीट्यूड, हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, ये हाइग्रो है ह्यूमिडिटी ऑफ इन एयर, हाइड्रोफोन आपका यूज होता है साउंड अंडर वाटर, लैक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क, मैनोमीटर प्रेशर ऑफ गैसेस, मैरीन कैंपास ये होता है ये सेलर्स यूज करते हैं फॉर द डायरेक्शन, माइक्रोफोन की बात करें तो साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन, माइक्रोस्कोप की बात करें तो मैग्नीफाइड व्यूज ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ओडोमीटर यूज होता है जो ये इम्पॉर्टेंट है, ऑडोमीटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेजरमेंट करता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील्ड व्हीकल इन अ प्रेशर इन इज मेजर, जो हम लोगों की गाड़ियों में जो ऊपर लगा रहता है ना जो इसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं ठीक है, उसमें ही जो छोटा सा लगा रहता है जो आपका बताता है क्या डिस्टेंस कवर्ड, दैट इज ऑडोमीटर। देन है फोनोग्राफ, ये होता है प्रोड्यूसिंग साउंड जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, देन फोटोमीटर की अगर बात करें तो इंस्ट्रूमेंट कंपेयर्स द ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड ऑफ अ सोर्स ऑफ लाइट, पर्सिस्कोप ये व्यूज द ऑब्जेक्ट अबव द सी लेवल, रेडार क्या होता है डिटेक्टिंग रेडियो माइक्रो जो रेडियो माइक्रोवेव्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, रेडियोमीटर क्या होता है इमिशन ऑफ रेडियंट एनर्जी, सेसिमोग्राफ अर्थक्विक को इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्विक शॉक, सेलिनोमीटर होता है सेलाइनिटी के लिए कितना नमकीन है पानी, देन स्पेक्ट्रोमीटर होता है आपका यूज मेजरिंग द एनर्जी डिस्टर्बेंस ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेडिएशन, स्पीडोमीटर ये वो है जिससे आपकी स्पीड पता चलती है, स्पिग्नोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर के लिए होता है, स्पायरोमीटर आपके कर्वेचर ऑफ सर्विस के लिए, स्टेरोमीटर स्टेरोस्कोप आपका यूज होता है टू डायमेंशनल पिक्चर के लिए, स्टेथोस्कोप स्कोप यूज होता है आपके जो डॉक्टर्स यूज करते हैं कान में लगा के हार्ट और लंग्स के साउंड सुनने के लिए, देन स्कोप आपका यूज होता है रैपिडली मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, टेक्नोमीटर जो स्पीड ऑफ एरोप्लेन्स या मोटर बोट्स के लिए यूज होता है, टेलीस्कोप स्पेस में चीज़ों को देखने के लिए, थर्मोमीटर टेम्परेचर के लिए, थर्मोस्टैट जो यूज़ होता है पर्टिकुलर पॉइंट के लिए यूज़ कर रहे हैं रेगुलेट करने के लिए कि भैया 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ाना है तो दैट इज़ थर्मोस्टैट, वोल्टामीटर क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इसको मेजर करने के लिए,
एंड दैट्स ऑल फॉर द फिजिक्स. डू सब्सक्राइब आवर चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है. थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ पूरा देखा करिए एंड हिट द लाइक बटन, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच.